आई एम अलीशा राणा एंड आई मेक मशीन थिंक. आप सब लोगों को कितना टाइम हो गया पाइथन यूज़ करते हैं? कौन कौन है जो पाइथन से नो हाउ है जिसको? अभी आपको है, आपको मीन्स मेजॉरिटी है कि हम में बहुत सारों को पाइथन के बारे में पता है. तो कितने कितने साल हो गए? लेट्स डिस्कस इट आउट. आई वर्कड ऑन पाइथन फॉर 6 months इन माय फर्स्ट सेमेस्टर. मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ तक पढ़ा और फिर छोड़ दिया ऐसे ही. एंड आपको? आई वांटेड टू लर्न इट फॉर फन सो आई जस्ट लर्न इट फॉर अ वीक एंड देन ड्रॉप. ओह नो वेरीज, आज फिर से स्टार्ट करेंगे. And anyone else want to share? Yes. Yes. मेरी थीसिस जो है वो पाइथन के रिलेटेड है. मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हूँ, तो मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड जो है एज अ मेथडोलॉजी में पाइथन यूज करी कोडिंग. तो मुझे 6 months हो चुके हैं पाइथन. दैट्स ग्रेट. मतलब आपको अच्छी खासी नोआ हो चुकी होगी ना अब तक. So, anyone know about the founder of Python? Yeah, yeah. आपको ही नहीं पता. Okay. So here is he, Guido. पाइथन के नाम से हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, स्नेक आते हैं ना, ऐसा ही है ना. जबकि मैंने भी पाइथन जब स्टार्ट की थी तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि पाइथन इज़ अ स्नेक एंड उसी के नाम पे ये रखा गया है. बट इसके पीछे एक बहुत बड़ा फन फैक्ट है. एनी वन ऑफ यू नो अबाउट इट? नो, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. फाउंडर गुडो जो है ना, उसको कॉमेडी शो ये बहुत ज़्यादा पसंद था और उसका नाम था मोंटी पाइथन और उसके नाम पर उसने पाइथन का अपनी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसका नाम पाइथन रखा. दैट इज़ अ फन फैक्ट जो कि हम सब समझते हैं कि एक स्नेक है और उसके नाम पे रखा हुआ है. या स्टार्ट करते हैं पाइथन का भाई. गुडो ने 1988 में इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी थी पाइथन पे, उसके लॉन्च हो गई और उसके बाद जो उसका फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ दैट इज 2.0 इन 2000. ओके, हमारे पे एक छोटी सी एक्टिविटी है सो ताकि हम सब आपस में इंटरेक्ट कर सकें और एक ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकें. सो इधर लिखा हुआ है कि पाइथन इन 3 words. ठीक है, हम सब सोचेंगे आपस में कि पाइथन हमारे लिए क्या है सिर्फ 3 words में, नॉट सेंटेंसेस. मैं सबको एक एक मिनट दूंगी, सब सोचें और सब ने पार्टिसिपेट करना है. एंड यू ऑल हैव टू टेल मी के 3 words में पाइथन आपके लिए क्या है. इफ़ कोई यहाँ पे नहीं जानता तो फिर भी उसके जहन में उस बारे में क्या आता है पाइथन को सोच के, उसने वो बताना है. सो लेट स्टार्ट. इजी पीजी. ओके, बट 3 words. ओके, सो या राशिद. सिंपल, कंसाइज एंड स्लो. ग्रेट. High level language. High level language. There are 3 words. High level language. High level language. Okay, that's great. Yeah, I just considered it one and yeah. Afraid. Sorry. Afraid. 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 Okay. Afraid. Afraid. Okay. Easy. Simple. Simple. Easy. Great number of libraries and slow. Slow. समझ में आ जाता है. Vast या diversity. Okay, here is Altamash. Altamash, आपके लिए Python 3 words में क्या हो सकती है? Language. Glamorous. It's maybe utilizing for data sciences. Great. It's a modern day need. Okay, that's cool. I think you should ask this question first. Yeah, sir, अब आप बताएं. Python for me in 3 words. Yeah. Love. Oh, that is my answer. Python is actually love. And for me, what Python is, easy. बहुत ईजी है यार. मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है ना, बस जो चीज़ आप एक दूसरी लैंग्वेज में इतना बड़ा बड़ा करके लिख रहे हो, आपको ना कोई सेमीकोलन लगाना है ना आपको कुछ देना है, बस इंडेंटेशन का ख्याल रखना है, दैट्स इट. उसके अलावा कुछ नहीं करना. पोर्टेबल, किसी भी डिवाइस पर चल जाएगी, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल जाएगी, कोई मसला नहीं है. ओपन सोर्स है, फ्री है, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं. दैट इज़ माई मोस्ट फेवरेट. कितना आसान हो जाता है कि आपको कोई भी चीज़ एक फंक्शन फ्रॉम स्क्रैच नहीं बनाना पड़ता. यू जस्ट हैव टू इम्पोर्ट इट एंड यूज द फंक्शंस. दैट इज़ अ रियली गुड पार्ट ऑफ द पाइथन. ओके, व्हाई पाइथन? बहुत सारी और भी लैंग्वेजेस हैं, जावा है, C++ है, ईसी, और इन सब के अलावा आप लोगों के ध्यान में क्या आता है कि क्यों पाइथन? ऐसा कौन सा फीचर्स हैं पाइथन में, या कोई कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखिए हमें लगता है कि यार पाइथन इज द बेस्ट थिंग जो हम बहुत सारी फील्ड्स में यूटिलाइज कर सकते हैं. स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा और फिर दूसरा यूजर फ्रेंडली. एग्जैक्टली. सो आजकल की जो वास्ट हमारी टेक्नोलॉजी का इलाज चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा आगे जाने वाली चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आप इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर विजन में यूज़ कर सकते हैं, डेटा साइंस में यूज़ कर सकते हैं, रोबोटिक्स, गेम डेवलपमेंट, इवन आप इससे वेबसाइट भी डेवलप कर सकते हैं. और आपने कुछ स्क्रैपिंग वगैरह करनी है
तो वो भी आप इससे कर सकते हैं। फ्रेमवर्क क्या है आप लोग के, कभी किसी ने यूज किया फ्रेमवर्क पाइथन में? यस, फ्रेमवर्क इज अ डिसिप्लिन और सेट ऑफ रूल्स टू मेक अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। दैट्स कूल। और किसी को पता है फ्रेमवर्क के बारे में, किसी ने यूज किया है या किसी को लाइक कितने सारे हमारे पास पाइथन में फ्रेमवर्क्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं? एंड दैट्स रियली कूल। पाइथन जैसे कि राशिद ने बताया, एक पर्टिकुलर चीज़ ऑलरेडी बिल्ट इन है आपके पास, यू जस्ट हैव टू यूज़ इट एंड चेंज करना है आपने चीज़ें और वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। पाइथन में इस वक्त हमारे पास इतने सारे फ्रेमवर्क्स हैं जो कि हम ईजीली यूज़ कर सकते हैं। Django, Flask, Bottle, Django. Django भी एक वेब डेवलपमेंट टूल है, हम इसे वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके मेन फीचर्स में हमारे पास सिक्योरिटी आ जाता है और ये हमें डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी देती है। फ्लास्क, अगर एनी वन ऑफ यू नो अबाउट द एमएल और लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उसके मॉडल्स होते हैं, हम इस पर इसको डिप्लॉय वगैरह कर सकते हैं, बट ये हमें डेटाबेस की फैसिलिटी नहीं देती। इन सब में आपस में थोड़े थोड़े फ़र्क हैं, कोई ईजी टू यूज़ है, कोई हमें पोर्टेबिलिटी देता है, कोई मतलब इसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर हैं, ईजी टू कन्फिगर एंड ऑल दैट। पाइथन का जो मैंने फर्स्ट आपको बताया रिलीज हुआ था 2.0 में, जो कि 2000 में था। हर साल पाइथन का एक नया जो फीचर है ना, एक वो रिलीज़ हो जाता है, ठीक है, डिफरेंट फीचर्स आते हैं वो रिलीज़ होते हैं। बींग अ प्रोग्रामर यू ऑल हैव टू मेक श्योर कि आप लोगों ने इन सबके साथ अप टू डेट रहना है। हर साल एक ना एक को इसका रिलीज होता है, जैसे इन 2020 3.9 वॉज रिलीज, इन 3.10 वॉज रिलीज इन 2021, सो वी आर लाइक 2022 में एक और रिलीज हो जाएगा। सो लेट्स गेट इन टू पाइथन 3.9। हम डिस्कस करते हैं कि कौन से न्यू फीचर्स से जो आए, बट मेक श्योर आप सब लोग यहाँ पे बिगनर्स भी हैं और जो भी हैं, आप हर साल आएगा, आप लोगों ने हर साल अपडेट भी करना है और चेक इन बैलेंस जरूर रखना है कि कौन सा न्यू फीचर्स आया है। जब भी आप कभी जॉब के लिए जाएंगे दैट विल हेल्प यू अलॉट, कि एक जो बंदा है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको जब पता होगा कि आप अप टू डेट रहते हैं। बींग अ प्रोग्रामर हमें रहना है अप टू डेट, जो न्यू रिलीज हो रहा है, जो न्यू पाइथन का कोई भी फीचर्स आ रहे हैं, हमें अप टू डेट उसके बारे में मालूम होनी चाहिए। Can I add something? Yes. इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि पाइथन का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है। एग्जैक्टली, जैसे मैंने आपको बताया 2000 में इसका 2.0 आया था, नाउ इट्स 3.10 इज द लेटेस्ट वर्जन एंड वी आर हियरिंग फॉर इन 2022, लेट्स सी कौन सा वर्जन आता है। ओके, सो कुछ न्यू फीचर्स थे जो हमारे पास एड ऑन हुए 3.9 में, बट मुझे कुछ खास तो नहीं लगे, बट दैट वॉज समथिंग कि कुछ ना कुछ हर साल कोई ना कोई ये फीचर्स ऐड कर देते हैं। दैट इज याना टाइम जोन डेटाबेस, दैट इज समथिंग कि हमारे पास एक फंक्शन होता है जिससे हम जो डेट है ना एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं पाइथन के थ्रू, बट वॉट इफ कि हम उसी के थ्रू जो है अपना जो क्या कहते हैं टाइम भी स्पेसिफिक रीजन के लिहाज से एक्सेस कर सकें, सो दैट इज फॉर दैट। ओके, डिक्शनरीज पता है आप लोगों को कैसे बनाते हैं? ओके, हम कोड करते हैं, ऐसा करते हैं, ओके, सो हमारे पास बहुत सारे इन्वायरमेंट्स हैं जिसमें हम ये सब काम कर सकते हैं, पाइथन, विजुअल स्टूडियो, जुपिटर नोटबुक एंड सो मैनी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो यूज़ करें। सो जुपिटर नोटबुक में मैंने 3.9 अपना वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है टू मेक श्योर कि आप लोगों को दिखाऊं कि 3.9 में जो आए थे वो किस तरह से थे। सो लेट्स मेक अ डिक्शनरी, हेल्प मी आउट, ओके। जस्ट दिस इज अ नंबर, आई एम जस्ट गिविंग इट आउट एंड मे बी सुमार। ओके, नाउ कैन यू सी इट? ओके, सो यहाँ पे हमने सिंपल एक डिक्शनरी बना दिया, ठीक है, इसको रन करते हैं। दैट्स इट, एक और डिक्शनरी बनाते हैं, इट्स तलहा। हाँ, मैं सारे स्पीकर्स के नाम लिख देती हूँ इसमें। ओके, फोर, ठीक है। सो पाइथन के 3.9 में हमारे पास ये सिंपल डिक्शनरीज हैं। अगर हम इन दोनों को क्या यू कि हम लोगों ने कोई दो डिफरेंट डिक्शनरीज बनाई हैं एंड वी वांट टू कॉन्केटिनेट, हम इनको साथ में मर्ज करना चाहते हैं और या तो दो में एक अपडेट करना चाहते हैं अपने आप को, तो कैसे कह सकते हैं? दैट इज सो सिंपल, अब हम करके दिखाते हैं। दैट यू कैन सिंपली नेम इट वर्डिक वन, जो हमारी डिक्शनरी का नाम है, दिस इज कॉल्ड अ पाइप ऑपरेटर।
इसको हम पाइप ऑपरेटर कहते हैं. पाइप ऑपरेटर नहीं, लाइक पाइप, दिस इज साइन ऑफ पाइप जो हम यूज करते हैं इसमें, इसको मर्ज करने के लिए. एंड दिस इज डिक टू. ठीक है, तो दिस इज हाउ एक सिर्फ एक पाइप से हम लोगों ने इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया. कॉन्केट भी लिख सकते हैं, बट दिस इज इजी वर्जन. आगे सिंप्लिसिटी ला रहे हैं ना हम. पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज है, हमें इसके बारे में इतना ज़्यादा सोचना नहीं है कि यार ये कैसे हो रहा है, और मतलब इतना ज़्यादा टाइप नहीं करना ना. थोड़े से कोड में हम बहुत कुछ कर सकते हैं. एंड नाउ हाउ टू मर्ज इट ना. अब हम चाहते हैं कि वो उसमें अपडेट हो जाए. देखो हम डिक वन चाहते, तो इसके लिए सिंपल हमने डिक वन दैट द साइन पाइप. ओके That's simple. अभी हमारी जो डिक वन है वो अपडेट हो जाएगी. लेट्स सी हमारी डिक वन कैसे लिखती है. अभी सिंपल, यस. नाउ जो हमारी डिक टू है उस पर कोई असर नहीं हुआ होगा. डिक्शनरी टू एग्जैक्टली वट आई वॉन्ट टू मीन. यस, सो दिस इज हाउ सिंपली यू कैन डू द थिंग्स. दिस इज हाउ सिंपल द पाइथन इज. नाउ लेट्स अगेन, इफ वॉट वी वॉन्ट कि हमने कोई एक चीज लिखी है एंड वी वॉन्ट टू रिमूव समथिंग फ्रॉम आउट ऑफ दैट. सो पाइथन ने इसमें 3.9 वर्जन में दो फंक्शंस इसमें इंट्रोड्यूस कराए. एंड लेट्स रन इट एंड सी हाउ ये किस तरह से वर्क करता है. सिंपल प्रिंट, आई एम अलीशा, मे बी आई एम अलीशा. ओके, सो हियर यू कैन रिमूव प्रीफिक्स. रिमूव प्रीफिक्स मीन्स आगे के स्ट्रिंग को रिमूव करना. प्रीफिक्स एंड हियर आई वॉन्ट टू रिमूव आई. दिस इज हाउ यू कैन जस्ट रिमूव इट आउट. एंड आई इफ अगर मुझे अलीशा रिमूव करना है तो इट्स सो सिंपल दैट आई हैव टू रिमूव सफिक्स. इट्स अलीशा. मेक श्योर कि आपने जिस तरह से लिखा हुआ है आपने उसी तरह से राइट ऑन करना है. अगर आपने छोटे कैरेक्टर्स में लिखा है, बड़े कैरेक्टर्स में लिखा है, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. नाउ लेट्स अगेन गो टू द स्लाइड्स. ओके, ऑल यू नो दैट पाइथन इज अ डायनामिक लैंग्वेज. व्हाट डज अ डायनामिक मीन टू यू? डायनामिक लैंग्वेज लाइक यू डोंट हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल. आपको डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं है. जिस तरह से हम जावा में करते हैं डिक्लेयर इंट, एंड दिस इज समथिंग पाइथन जो है ना हमारी इंटेलिजेंट लैंग्वेज है. यू डोंट हैव टू डू ऑल द थिंग्स. सो वॉट दे डिड इन टू 3.9 के इन्होंने कहा कि अगर आप इनपुट दे रहे हैं वॉट यू एक्सपेक्टेड आप वो भी लिख सकते हो. सो दैट अ यूजर कैन नो इफ अगर हम लोग वहाँ पे इनपुट देंगे और वो कुछ भी ऐसा कुछ मतलब अगर हम स्ट्रिंग कह रहे हैं और वो हमें कहता है कि हम उसको इनपुट दे देते हैं वन, सो दे विल गिव अप अ मैसेज कि हम स्ट्रिंग आपसे मतलब वो चाह रहे हैं. दैट्स इट. सो नाउ 3.10 दैट इज माय फेवरेट रिलीज दिस लास्ट ईयर. यू नो व्हाई? दैट इज द रीजन, मोर प्रिसाइज एरर रिपोर्टिंग. जब भी हम पाइथन में कुछ भी लिख रहे होते हैं दैट इज समथिंग इनवैलिड सिंटैक्स. इतना लंबा कोड है, जाके देखो इनवैलिड सिंटैक्स कहाँ पे क्या हो. इट्स समथिंग कुछ भी छोटा सा एरर है. आप सबको पता दो टाइप्स के एरर्स होते हैं. कौन कौन से? दो टाइप्स के एरर, सॉरी, हाँ या एग्जैक्टली समथिंग. इट्स लॉजिकल एरर और एक हमारा सेंटेक्स एरर. दैट इज समथिंग जो हमारे लॉजिक्स में हमें मसा हो जाता है. और दूसरा ही सेंटेक्स एरर होता है छोटे मोटे, जैसे अभी मेरे साथ हुआ ना वैसा. सो लेट्स देखते हैं कि 3.9 में ये कैसा लगता है और 3.10 में अगर हम कुछ ऐसा एरर पास कर सकते हैं तो ये कितना प्रिसाइज है. ओके, मेरे पास इस वक्त दो इन्वायरमेंट है. जुपिटर नोटबुक पे मैंने 3.9 किया हुआ है और जो मेरे पास पाइचाम है उस पर मैंने 3.10 अपना किया हुआ है. ठीक है, ओके. द सेम 3.9 में हम एक एरर थ्रो करते हैं. लेट्स सी क्या कहता है. ओके, लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल. इट्स अ डायनेमिक सो यू डोंट हैव टू डिक्लेयर एनीथिंग टू. कोई सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है. इट्स क्वाइट सिंपल. इफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्रिंट. एनीवन कैन गैस मैंने क्या एरर दिया है? कोई गैस कर सकता है? एनीवन? कॉलन? नो. हाँ, असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने एक बार यूज किया है, मुझे दो बार यूज करना है एक्चुअली. लेट्स सी ये चीज देता है इनवैलिड सिंटैक्स.
सो अब इतना बड़ा कोड है उसमें जाके इनवैलिड सिंटैक्स ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. लेट्स रन द सेम कोड इनटू 3.10 वर्जन. ओके सो हियर इट इज. ओके ये यहाँ पे मैंने सेम सिमिलरली पेस्ट कर दिया. अभी आप देख रहे हैं इसी में खुद ही बता रहा है कि देर इज समथिंग एन एरर आई डिड. मतलब इतनी इंटेलिजेंट तो कर दिया पाइथन ने अपने इसको. लेट्स रन इट. ओके सो हियर यू कैन सी व्हाट देयर इज इन इनवैलिड सिंटैक्स. मे बी यू मीन डबल एंड और इंस्टेड ऑफ दिस. सही है. सो दैट्स व्हाट इट इज एक्चुअली कि कितना ज़्यादा हमें आसानी कर दिया ना. नाउ वी डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल दिस स्टेप्स एंड जस्ट इतना इंटेलिजेंट हो गया कि सिंपली वी कैन डू इट इन आउट ऑफ दैट. सो दैट वॉज माई फेवरेट एक्चुअली. अच्छा ये कोई फीचर नहीं है, मैं इसको एज अ फीचर कंसिडर नहीं करूँगी. दे डिड समथिंग अ इम्प्रूवमेंट. एक छोटी सी इंप्रूवमेंट की है दैट हैज़ अ बिग इम्पैक्ट एक्चुअली. बहुत आसानी होगी प्रोग्रामर्स के लिए. एंड ओके सो स्ट्रक्चरल पैटर्न्स. दूसरी कोई लैंग्वेजेस जानते हैं आप लोग पाइथन के अलावा? एनी वन ऑफ यू नो अबाउट जावा, जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, एनी वन ऑफ एल्स, डॉट, यस, रेस्ट, एग्जैक्टली. तो उसमें एक होता है स्विच, स्विच केस. पाइथन का जो सिमिलर रह चुके हैं 3.9 तक, देर वॉज नो एनी स्विच केस इनटू दैट एक्चुअली. बट नाउ इन 3.10 दे इंट्रोड्यूस दिस स्ट्रक्चर पैटर्न मैचिंग दैट इज सिमिलर टू स्विच केस, जस्ट हैव अ डिफरेंस ऑफ द कीवर्ड एक्चुअली. लेट्स सी कि हम इसको प्रीवियस किसी भी लैंग्वेज में ले लेते हैं. आई थिंक जावा ले लेते हैं. जावा में इसको किस तरह से करते थे और इसको अब पाइथन में हम किस तरह से कर सकते हैं. भाई मैं पाइथन की बंदी हूँ तो मैं यूज़ नहीं करती जावा वगैरह और मुझे तो याद भी नहीं कि मुझे याद होगी. बट लेट्स सी कि उसका किस तरह से था और हम इसको किस तरह से कर सकते हैं. पाइथन इज़ नॉट अ डायनेमिक लैंग्वेज. वी हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल. सो इंट एक्स इज इक्वल्स टू 2 मे बी. ओके सो नाउ यू हैव दैट. इसमें आप कोई भी कंडीशन दे सकते हैं. दैट इज़ आई एम डूइंग इन जावा. ओके आई विल नॉट रन इट एक्चुअली, मेरे पास नहीं है वो. ओके केस कोई भी दे दें आप इसमें. क्या वॉन्टेड टू वर्न एंड क्या होता था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन. या कितना बड़ा कोई लिखना पड़ता है ना. इससे बेहतर हम पाइथन वाले अच्छे हैं. सिंपल प्रिंट लिखो, दैट्स इट. नहीं आई एम नॉट रनिंग, आई एम जस्ट गिविंग अ सेंटेक्स. या किस तरह से हो सकता है. ठीक है ये कंडीशन मैंने इस तरह से सिर्फ कंडीशन लिखी है दैट इसमें कंडीशन हम लोग पास करेंगे. इसमें हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 और इसमें हमें एक ब्रेक स्टेटमेंट भी देना पड़ता था ताकि आगे वाले केसेस ना चले ना. इस तरह से कुछ होता था. नाउ अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. सो दूसरा केस बना रहे हैं इधर केस 2 इक्वल्स टू 2. ओके इस तरह का कुछ हमारे पास होता है जावा में. तो अब देखते हैं कि हम 3.10 में पाइथन में ये किस तरह से कर सकते हैं. ओके आई एम जस्ट रिमूविंग इट. अगेन कोई भी वेरिएबल हम यहाँ पे कर देते हैं, इसमें लिख देते हैं हाई मे बी. ओके सो मैच हमें वहाँ पे क्या लिखा था इसमें स्विच. नाउ इधर हमने क्या लिखना है सिर्फ मैच. एंड नाउ वी हैव टू डिक्लेयर एक्स में भी एक्स. ठीक हो गया. ओके दिस इज गिविंग सम एरर लाइक. ओके सो इसमें हमें केस इफ दिस इज हाई प्रिंट हाई अनदर केस केस दैट इज क्वाइट इट इज मे बी हेलो इफ देन प्रिंट हेलो. ओके सो थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि अगर यही चीज़ हम किसी और में करते तो ये कितना डिफिकल्ट लग रहा है. मतलब इतना सारा लिखना पड़ रहा है बट फॉर पाइथन दिस इज समथिंग वेरी इजी. फॉर सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन सिंपली प्रिंट. कोई वेरिएबल को आपने डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, वो खुद इंटेलिजेंट है. लेट्स सी सी माई कोड इज राइट. ओके शी से हाई एंड नाउ लेट्स रन इट. ओके हो गया. सो या नाउ वी हैव एन अ यूनियन ऑपरेटर्स. ओके सो फॉर दैट
हम यूनियन ऑपरेटर्स, दिस इज समथिंग यूनियन हमने मैथ में पढ़ा होगा, दिस इज समथिंग लाइक दैट. इसके लिए इन्होंने पाइप ऑपरेटर जो था उसको मैं रन करके दिखाऊंगी कि आपका हाउ यू कैन डू दैट. फॉर दैट वन थिंग आई हैव टू टेल यू दैट दिस इज समथिंग इन 3.9 जब भी हमें कोई डिफाइन करते थे फंक्शन, हम चाहते थे कि दिस इज समथिंग टू बी इन इंट एंड फ्लोट एंड वी हैव टू इम्पोर्ट फर्स्ट. सबसे पहले इम्पोर्ट करने के लिए तो आपको इसको पहले अपने पास डाउनलोड करें, ठीक है, फिर उसके बाद इसको इम्पोर्ट करें एंड देन यू हैव टू डिक्लेयर यूनियन इंट फ्लोट एंड ऑल दैट स्टफ. दैट इज क्वाइट बड़ा काम है ना. सो अगर यही चीज़ हम 3.9 में करें तो वो इतनी सिंपल से हम कर सकते हैं. ओके, फंक्शन बनाएंगे डेव, मे बी कुछ भी लिख देते हैं, कोई भी फंक्शन का आप नाम दे सकते हैं. एंड दिस इज एक्स देना चाह रहे हैं हम इधर. सो व्हाट वी हैव टू डू इज, ओके, मेरे पास एक मसला है पाइप ऑपरेटर का. सो मैं इसको कॉपी करती हूँ यहाँ से. ओके, सो ऑल यू हैव टू डू व्हाट वी वांट के जो भी वो फंक्शन, कोई भी चीज़ अपने पास इनपुट जब ले रहा है तो या तो इंट में उसको कंसीडर करें या फ्लोट में करें, ठीक है, और रिटर्न में उसके साथ हम इस तरह से इसको लिख देते हैं. ये भी हमारे साथ रिटर्न भी करता है जिस तरह से वो यूनियन में कर रहा था. बट क्या था, वहाँ पर हमें पूरा कीवर्ड लिखना पड़ा था, इम्पोर्ट करना पड़ा था यूनियन, एंड दैट्स हाउ यू कैन ईजिली डू इट इन दैट. दैट सेम थिंग इधर. ओके, सो दैट सिंपल. अब हम कॉल करते हैं इसको अली एंड टू में भी. ओके, प्रिंट करना भूल गई, प्रिंट कर देता दैट इट विल प्रिंट इट आउट. कॉल कर लिया हमने, सिंपल इसको प्रिंट करेंगे, देन विल बी द गेट आउटपुट. एक्चुअली दैट्स योर फोर. सो कुछ इस तरह से हमारे पास न्यू फीचर्स जो है 3.10 में आए हैं. एंड दैट वाज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन. ओके, देयर इज समथिंग अ क्वेश्चन, मतलब बीइंग अ पाइथनियर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू जो उसका न्यू रिलीज होने वाला है 2022 में. सो व्हाट ऑल यू एक्सपेक्ट कि वो क्या कुछ ऐसा ऐड करें कि हमारी आसानी हो जाए ना. लाइक दिस समथिंग कि इतना सारा लिखने से बेहतर था वी जस्ट हैव अ वन ऑपरेटर जो पाइप हमने यूज़ किया एंड दैट वॉज सो सिंपल एंड ईजी. सो वॉट यू एक्सपेक्ट कि पाइथन पे काम कर रहे हैं आप लोग, कोई भी जो भी कर रहा है थोड़ा बहुत, ऐसा क्या आना चाहिए कि नेक्स्ट में हम लोग उसको ईजिली हमारे लिए आसानी हो जाए ना, बींग वट यू आर. लेट्स सिंग एंड टेल मी क्या आना चाहिए राशिद. मतलब आप कह रहे हैं कि फीचर्स में ही इंप्रूवमेंट कर दें, थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट कर दें उसी फीचर्स. आई वुड थिंक इनको कलेक्शन को थोड़ा सा और प्रिसाइज करना पड़ेगा. कलेक्शन का जो मॉड्यूल है आई गेस अब तो उसको हम लोग जिप वगैरह वैसे ही यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको और ज्यादा प्रिसाइज करके इंप्रूव किया जा सकता है आई थिंक. ओके, सो सर ने अपना बता दिया. मैं बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट एंड एमएल इंजीनियर, मैं चाहती हूँ कोई अच्छा सा मॉड्यूल फिर से इंट्रोड्यूस करा दे जितनी आसानी हम डेटा साइंटिस्ट और उनको इवन एमएल वालों को, जस्ट हैव टू इम्पोर्ट इट और यूज़ कर दो, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. तो आई वॉन्ट कि कोई एक अच्छा सा मॉड्यूल आ जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में सिर्फ ये जस्ट फीचर्स एड करें और इम्प्रूवमेंट करें. सो आई वॉन्ट कि कोई अच्छा सा मॉड्यूल आ जाए. सो दैट्स फॉर माई साइड. थैंक यू.